हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये एक छोटा सा वीडियो है जहां पर मैं आपके साथ एक छोटा सा रिसोर्स शेयर करने वाला हूं। सो अभी हुआ क्या, कुछ दिन पहले इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में मुझे कॉन्स्टेंटली आप लोगों की साइट से कॉल्स आते थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे और ईमेल भी आता था। और जनरली कंसर्न ये रहता था आप लोगों का कि आई एम ट्राइंग टू लर्न डेटा साइंस बट आई एम नॉट एबल टू मास्टर इट, मैं अच्छे से सीख नहीं पा रहा हूँ। तो जब मैंने लोगों से बात की तो आई रियलाइज कि देर इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम ये है कि आप अगर डेटा साइंस में एंट्री करना चाहते हो तो मानो या ना मानो आपको पाइथन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको पाइथन अच्छे से नहीं आएगा, सिंस पाइथन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आगे आप कुछ भी पढ़ोगे उसमें पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने पाइथन मास्टर नहीं कर रखा तो आपको प्रॉब्लम फील होगी। और मुझे यही दिखाई दिया जिन भी लोगों से मैंने बात की कि थोड़ा बहुत वो पाइथन पढ़ करके, वीडियोस देख करके आगे चले गए। और आगे अब जब वो थोड़ा भी डिफ़िकल्ट कोड देख रहे हैं या इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा और उनको प्रॉब्लम हो रही है और दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने ये सॉल्यूशन बनाया अपनी साइड से कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक पाइथन का प्लेलिस्ट है जो लोग देख रहे हैं एंड द फीडबैक इज़ गुड, वीडियोज़ आर गुड मेरे हिसाब से, बट वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड आई पर्सनली फील कि प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, तभी आप मास्टर कर सकते हो जब आप उसको प्रैक्टिस करो। इट इज़ लाइक स्विमिंग, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, आप स्विमिंग नहीं सीखते जब तक आप एक्चुअली स्विमिंग करना स्टार्ट ना करो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कंपाइल करता हूँ आप लोगों के लिए, जो मैंने किया है। मैंने एग्जैक्टली 100 ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स का एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है और वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। किसके लिए है वो डॉक्यूमेंट? अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो और डेटा साइंस में ट्रांजिशन करना चाह रहे हो और आपने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया और अब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड वीडियोस देखने के साथ साथ ये 100 प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करो। और अगर आप ये 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो आई गारंटी यू आप आगे जाके कितना भी कॉम्प्लेक्स पाइथन कोड देखोगे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंट कि वो डॉक्यूमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है, और मैंने उसके लिए सॉल्यूशंस भी क्रिएट किए हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज, ये रहा वो डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर यहाँ पर एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस तो नहीं है, बट देर आर 85 क्वेश्चंस, ठीक है। 85 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल दिए। अगर मैं अच्छी बात बताऊं इन क्वेश्चंस की तो देर आर 3-4 गुड थिंग्स। फर्स्ट गुड थिंग इज कि मैंने यहाँ पे जितने भी कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कॉमन प्रोग्राम्स जो आपको आने चाहिए अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, मैंने वो सारे टाइप के कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। दूसरा, सारे के सारे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं। मैं बस इसमें अब कुछ दिनों में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आई पर्सनली फील अगर आप ये 100 क्वेश्चंस कर लोगे तो सारे कॉमन क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे। द सेकेंड गुड थिंग अबाउट दिस इज कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट होते हैं, तो पहले वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। सो अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग तो पहले वाले क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे, आप सॉल्व कर पाओगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप डिफिकल्ट चीजें पढ़ते जाओगे क्वेश्चंस का लेवल भी डिफिकल्ट होता जाएगा। मैंने इस तरीके से इस पूरी शीट को ऑर्गेनाइज किया है एंड यू वुड फाइंड कि लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली थोड़े डिफिकल्ट हैं और उसके लिए आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। द थर्ड गुड थिंग इज सिंस हम लोग डेटा साइंस के रिलेटेड बात करते हैं तो इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा डेटा साइंस का फ्लेवर मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि वो डेटा साइंस की फील्ड से रिलेटेड है। अब जब आप ये डॉक्यूमेंट देखोगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड द फोर्थ थिंग इज जो बेस्ट पार्ट है कि सिर्फ मैं आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं देना चाहता, आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव यू द सोल्यूशंस, ठीक है। मतलब अगर कल को आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो सोल्यूशन मिलना जरूरी है, अदरवाइज फिर से फ्रस्ट्रेशन ही आएगा। सो मैं आपके साथ एक दूसरे चैनल का एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरी बहन का चैनल है, उसने रिसेंटली स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने अपनी बहन को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए थे तो उसने सिर्फ इन क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, साथ ही साथ उसने उन सारे सॉल्यूशंस का एक वीडियो भी बना दिया। सो ये एक प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्राम्स का जहाँ पे आपको सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं
उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने ट्राई किया है कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए, ठीक है? तो अगर आपको मेरी बहन का काम पसंद आए तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब हर चैनल, उसने रिसेंटली स्टार्ट किया है। अब अगर आपके दिमाग में ये है कि कैसे अप्रोच करें हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करें, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार मेरा ये 100 days ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग वाला प्लेलिस्ट स्टार्ट करो और साथ ही साथ आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड आई थिंक ये जो पूरा प्लेलिस्ट है दिस इज सफिशियंट टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है? तो दैट वुड बी माय सजेशन। कितना टाइम लगेगा पूरे 100 questions सॉल्व करने में? आई वुड से अगर आप डेली 2 से 3 घंटे देते हो, इट वुड टेक अराउंड 2 to 4 weeks, डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम दे रहे हो। 2 से 4 weeks में आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। एक सजेशन मैं आपको और दूंगा, प्लीज जस्ट बिकॉज मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है तो पहले सॉल्यूशन देख लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, ऐसा मत करना। सॉल्यूशन आपको दिया गया है ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप जाके हिंट ले सको, हेल्प ले सको, बट प्लीज कॉपी करके मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? एंड लास्ट में मेरा गारंटी है आपको कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो जस्ट सीखना, ये 100 questions आप कर लो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको उसके बाद पाइथन में परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पाइथन में आपको एक तरीके से अच्छा बनना पड़ेगा, तो दिस इज अ गुड वे ऑफ बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन पाइथन, ठीक है? ये सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर पसंद आया ये पूरा काम तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो ट्राई टू सब्सक्राइब माई सिस्टर्स चैनल, ठीक है? या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।